हेलो फ्रेंड्स, सीजे स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आलमंड मिल्क बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बादाम मिल्क के लिए मैंने करीब 15 से 16 बादाम लिया है, जिसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में सोक किया। उसके बाद ये अच्छी तरह से सोक हो गया है, इसके छिलके आराम से निकल जाते हैं सोक करने के बाद। ये देखिए, मैं इसे इस तरह से छिलके को निकाल लूंगी। मैंने मिक्सी जार में 1/2 कप दूध लिया, इसमें मैं अब सारे आलमंड को डाल दूंगी और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। बादाम मिल्क के लिए मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है, दूध में उबाल आ गया है। मैंने करीब 1 ग्लास दूध लिया है, इसमें मैं अब ग्राइंड किए हुए आलमंड को डालूंगी। आलमंड के पेस्ट को इसे इस तरह से मिक्स करूंगी। दूध में उबाल आ गया है, ये अच्छी तरह से उबल रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा चॉप किए हुए आलमंड को डालूंगी। इस तरह से, अगर आपके पास केसर है तो केसर भी डाल सकते हैं। चीनी स्वाद के अनुसार, अगर आप ज़्यादा स्वीट पसंद करते हैं तो थोड़ा और डाल सकते हैं। मैंने करीब 2 चम्मच चीनी डाला है, छोटे चम्मच से। मैंने करीब 1/2 कप ठंडा दूध लिया है, इसमें मैं 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर मिलाऊंगी, मिक्स करूंगी। मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया, इस तरह से अच्छी तरह से मिलाऊंगी। ठंडे दूध में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, लम्स नहीं पड़ता है। अब मैं इसमें धीरे धीरे करके डालूंगी, ताकि दूध में थोड़ा गाढ़ापन आ जाए और कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए। ये देखिए, दूध उबाल आ रहा है, हमारा बादाम मिल्क बनकर तैयार हो रहा है। आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं। बादाम मिल्क रेडी हो गया है, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रखूंगी। करीब इसे 1/2 आवर्स के लिए फ्रिज में रखूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, फिर उसे मैं सर्व करूंगी। बनकर तैयार है, अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है, इसे मैं ग्लास में सर्व कर रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं गार्निश करूंगी चॉप किए हुए आलमंड से। यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।